मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत कथाएं। कैंची धाम में महाराज जी विराजमान थे, भक्त दरबार लगा हुआ था। अचानक महाराज जी बोल पड़े, वह हनुमानगढ़ चला गया, कोई बात नहीं थी वहां, जो बातें चल रही थी उससे कोई तारतम्य नहीं था उस बात का, लेकिन महाराज जी बोल पड़े कि वह हनुमानगढ़ चला गया। भक्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बात आई गई होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बोले, अभी यहीं आएगा, भूखा है, उसके लिए पूरी सब्जी बनाओ। भंडारी को आदेश दे दिया गया कि उनके लिए पूरी सब्जी बनाइएगा। महाराज जी से भक्तों ने पूछा, महाराज जी कौन चला गया हनुमानगढ़ी और भूखा कौन है? महाराज जी ने कहा कि अभी आएगा, यहीं आएगा। तो भक्तों ने कहा चलो तब देख लेंगे। उन्होंने एक भक्त से कहा कि जाइए, उस समय कैंची धाम में जो नदी है छिप्रा उत्तरी बाहिनी नदी है, उस समय पक्का पुल नहीं था, ऐसे ही बल्लियां लगी हुई थी एक दूसरे से और उस पर बड़े संभाल के आना पड़ता था। अंधेरा हो चुका था, उन्होंने महाराज जी ने आदेश कर दिया तो गैस का लैंप लेके पुल के पार एक व्यक्ति खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगे कि कौन आ रहा है। उसी समय एक गाड़ी रुकी आगे, उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति और दो उनके बेटे थे, युवा बेटे थे, वो उस गाड़ी से उतरे। जिस व्यक्ति को वहां भेजा था लैंप लेके, उससे ये कहा था कि अरे उस बूढ़े व्यक्ति को आराम से पुल पार करवा लाना, उसके बेटे उसका ध्यान नहीं रखेंगे। ये बात जो व्यक्ति वहां खड़ा हुआ था उसने सुनी थी, लैंप लेके आया हुआ था, और जब उन्होंने ये देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के निकट खड़ा हुआ है और बीच में गंगा मैया उत्तरी वाहिनी जी हैं, वो पार करनी है, तो उस व्यक्ति ने, जो बूढ़े व्यक्ति ने अनायास पूछा, बाबा ने भेजा है आपको मेरे लिए? सहमति में जब सिर हिला तो उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आए। खैर आगे बढ़े तो देखा दोनों युवा पुत्र वो उन बल्लियों पर आराम से चलते हुए चले गए। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि हमारा जो बुजुर्ग पिता है इसको संभाल के पकड़ के ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं। बाबा जी के दूत ने, जो व्यक्ति वहां पर था, उस व्यक्ति ने उन महाशय को, वृद्धजन को पकड़ा और पुल पार कराया। पुल पार कराने के बाद महाराज जी की शरण में जैसे ही पहुंचे, वृद्ध महाजन ने, वृद्ध सज्जन ने उनके, महाराज जी के पैर पकड़ लिए और रोने लगे। जब वो रोने लगे तो महाराज जी ने कहा, क्या बात है, क्यों रो रहा है, भूखा है, चल तेरे लिए पूरी सब्जी बनवाई है, खा तू। विनोद प्रिय स्थिति उत्पन्न करने का स्वभाव था महाराज जी का। महाराज जी ने बहुत आराम से उनको प्रसाद दिलवाया, प्रसाद खिलवाया, फिर बताया कि ये पुलिस का कप्तान है, कभी पुलिस कप्तान हुआ करता था, पुलिस अधीक्षक था, राम नारायण सिन्हा जी थे। राम नारायण सिन्हा SSP हुआ करते थे, सेवानिवृत्त होकर उन्होंने नैनीताल में अपना निवास बनाया था।
अचानक उनके मन में आज ये इच्छा हुई कि आज भोजन तब ग्रहण करेंगे जब महाराज जी के दर्शन कर लेंगे। महाराज जी के दर्शन के लिए वो पहले हनुमानगढ़ी गए, वहां पता चला कि महाराज जी आज कैंची धाम में हैं, तो वो फिर कैंची धाम आए। महाराज जी ने जान लिया कि हमारा भक्त उपवास करके आ रहा है, यानी आज बहुत भूखा है, दर्शन करने के बाद ही भोजन लेंगे। श्रद्धा, अपार श्रद्धा लोगों की, जब श्रद्धा होती है, मैंने कई बार बताया आपको कि जब श्रद्धा होती है, संकल्प होता है, विश्वास होता है, तो भक्त और भगवान के बीच में कोई दीवार नहीं होती, उनका सीधा मिलन होता है। इसीलिए तो महाराज जी ने जान लिया कि राम नारायण सिन्हा अभी यहाँ आएगा और भूखा है, उनके लिए प्रसाद पहले बनवा लिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि उसके साथ बेटे आएंगे, वो उनको संभालेंगे नहीं, इसलिए एक भक्त को वहाँ खड़ा कर दिया। महाराज जी त्रिकालदर्शी थे, हैं, महाराज जी का जो रूप है कभी कभी थे निकल जाता है, मुँह से मैं क्षमा मांगता हूँ आप सबसे, क्योंकि जब कथा कहता हूँ तो निश्चित रूप से मेरी वाणी पर भी मेरा कोई नियंत्रण नहीं होता। महाराज जी जो बुलवाते हैं वो मैं बोलता हूँ, महाराज जी जो कहते हैं वही मैं कहने का प्रयास करता हूँ। इसलिए कभी कोई गलती अगर होती है तो वो मेरी है, और मानव भूल मान के आप उसे क्षमा कर देंगे। भक्त के प्रसाद की ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।